यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। आपकी जो पीएमसी की टेस्ट है वो तकरीबन मैंने अच्छी खासी टेस्टें देखी है, तो उसके अंदर चैप्टर 9 के सारे टॉपिक्स में से कुछ चल्स है। डबल स्लिट में से भी है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर से भी है और डायफ्रेक्शन से भी क्वेश्चन है और थिन फिल्म के भी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये, और इनका टाइटल दिया हुआ है ऊपर वेव्स, कि ये वेव से रिलेटेड है, इसलिए वेव सेक्शन जो दिया गया है उसके अंदर ये शामिल है, तो जाहिर सी बात है हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। उसके सिवा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मैंने पहले आपको रिलेटेड करके पढ़ा दिए। अभी मैंने सिलेबस आपको भेजा है जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पढ़नी है चीजें, उनके बारे में मैंने कोशिश की है कि क्लियरली आपको बता दूं। तो जो नई चीजें हैं जो बिल्कुल आपकी पढ़ी हुई नहीं है, वो दो तीन चीजें मुझे नजर आई है जिनकी डेफिनेशन से एग्जांपल्स वगैरह वो सब मैं कलेक्ट करके आपको वो अलग से पढ़ाऊंगा। और जो पीएमसी की टेस्टें हैं वो भी इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ये सॉल्व करेंगे मुहर्रम के बाद। पहले सब चीजों को मैं कलेक्ट कर लूं कि कौन सी चीजें जो है जिनको समझने या परखने की जरूरत है, अभी पढ़ने की जरूरत है, उनको कलेक्ट करके फिर कलेक्टिवली इंशाल्लाह आपको सारी चीजें बता दूंगा मैं। थोड़ी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस की, थोड़ा जो है वो उसको ध्यान से पढ़ोगे तो सारी की सारी चीजें अपनी पढ़ी हुई इंटर के अंदर। एक दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, बाकी फर्स्ट ईयर के अंदर ये तीन चार टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो आप ये अपने पीएमसी के सिलेबस में शामिल समझे, ठीक है। मैं आपको पहले भी बार बार यही बात कहता रहा हूँ, इन टेस्टों के आने से पहले भी मैं आपको बार बार कहता रहा था कि आप रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े। जैसे मैंने आपको चैप्टर 8 के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाला पढ़ाया, बीट्स वाला पढ़ाया, ये सारे टॉपिक्स जब मैंने पढ़ाए तो ये सिलेबस के अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन इन सब में से क्वेश्चन है पीएमसी की टेस्ट में। और स्पेशली जो 11 चैप्टर है बेटा, 11 चैप्टर के अंदर हमें जो पीएमसी के सिलेबस ने दिया था उसके अंदर इतना ज्यादा सिलेबस के अंदर टॉपिक्स नहीं है, लेकिन जो टेस्टें हैं उनके अंदर प्रेशर ऑफ गैस की जो इक्वेशन है उनसे भी क्वेश्चन मौजूद है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी मौजूद है, और उसमें क्वेश्चन जो है वो कार्नोट इंजन से भी मौजूद है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन भी मौजूद है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूम के क्वेश्चन भी मौजूद है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूम का भी जो फार्मूला है वो सिंध बोर्ड के अंदर एक प्रॉब्लम के अंदर पड़ा हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है, तो वो भी चीजें इंशाल्लाह हम जो भी रहती है। बाकी तो प्रेशर ऑफ गैस वगैरह सब आपका पड़ा हुआ है, आपकी टेस्टें भी दी हुई है, सिर्फ 11 चैप्टर के अंदर गैस लॉस को छोड़ा गया है। कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर के भी क्वेश्चन है कि डिग्री सेल्सियस है ये कितने केल्विन के बराबर होगा, मीन्स पूरा चैप्टर है, सिर्फ जो क्वेश्चन नहीं है वो एंट्रोपी से नहीं है और जो क्वेश्चन है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं है, लेकिन इंजन से है, कार्नोट इंजन से है, लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी से नहीं है, बाकी आप समझे पूरे चैप्टर से। तो इसलिए आप 11 चैप्टर पूरा पढ़ ले, ठीक है। मैं आपको वो लिख के भी भेजता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर का आपको लिख के भेजा है कि कौन से पूरे चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन से जो है वो से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। तो पहले आज डिस्कस करते हैं चैप्टर 9 का जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हम चैप्टर 8 के अंदर इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ के आए हैं, स्टेबल इंटरफेरेंस, ठीक है। जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की दो स्पेशल किस्में हैं। एक जो सुपरपोजिशन की स्पेशल केस है उसको कहा जाता है स्टेबल इंटरफेरेंस, और दूसरा सुपरपोजिशन की
जो स्पेशल केस है उससे स्टेशनरी वेव्स बनती है, और स्टेशनरी वेव्स जो होती है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये आपके जो भी अभी जो टेस्ट होगी नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके अंदर में उसी टाइप के क्वेश्चन दूंगा जिस टाइप के पीएमसी के टेस्ट के अंदर मुझे, वैसे ये कॉमन क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस इनकी की हुई है। तो उसके अंदर बेटा हमने पढ़ा था कि एक होता है स्टेबल इंटरफेरेंस और दूसरा होता है इंटरफेरेंस इन टाइम। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंटली पढ़ते हैं कि स्टेबल इंटरफेरेंस कैसे होता है, ठीक है। तो हम पहले स्टेबल इंटरफेरेंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। तो पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि स्टेबल इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा। ठीक है, इंटरफेरेंस का आपको मतलब पता है। अब हम करेंगे स्टेबल इंटरफेरेंस। बेटा स्टेबल इंटरफेरेंस हमेशा होता है, ये कंडीशन मैंने आपको 8 चैप्टर के अंदर भी लिखवाई है कि अगर दो वेव्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, और उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, जो वेव्स मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट हो, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट जो दो वेव्स होती है जब वो एक दूसरे से सुपरपोजिशन करती है तो उस इंटरफेरेंस को हम कहते हैं स्टेबल इंटरफेरेंस। और आपको पता है उसके दो नतीजे होते हैं, कौन से? एक नतीजा ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और दूसरा नतीजा ये होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव दोनों स्टेबल हो सकते हैं। स्टेबल का मकसद है अगर दो वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव करती है तो कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्टिव करेंगी, अगर डिस्ट्रक्टिव करती है तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्टिव करेगी। तो ऐसा इंटरफेरेंस जो कंस्ट्रक्टिव की सूरत में हो या डिस्ट्रक्टिव की सूरत में हो, कंटिन्यूअसली ऐसा ही रहे और अपनी तरफ से वो तब्दील ना हो, तो ऐसे इंटरफेरेंस को स्टेबल इंटरफेरेंस कहा जाता है। और स्टेबल इंटरफेरेंस जो होता है वो नतीजा होता है, किसका नतीजा होता है? ये रिजल्ट होती है। रिजल्ट किसकी होती है? ये टू सिमिलर वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो आप कहोगे कि स्टेबल इंटरफेरेंस किसकी और किसका नतीजा है, ठीक है। स्टेबल इंटरफेरेंस, स्टेबल इंटरफेरेंस इज अ रिजल्ट, इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स having the same frequency wavelength। और आपको पता है same frequency और wavelength वाली waves को क्या कहा जाता है? monochromatic, ठीक है। इनको कहा जाता है monochromatic, ठीक है। same frequency wavelength amplitude traveling in the सेम डायरेक्शन, हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मकसद है कोहेरेंट, ठीक है। आप इसको कोहेरेंट कह सकते हैं, एक कोहेरेंट होती है और दूसरी होती है कोहेरेंट। तो आप कहोगे जब दो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, और वो सेम डायरेक्शन में अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ जाएगी, तो अगर वो इंटरफेरेंस करेंगी तो ऐसा इंटरफेरेंस जो होगा उसको कहा जाएगा ये स्टेबल इंटरफेरेंस। आप कहोगे इसको सिंपली, आप कहोगे कि स्टेबल इंटरफेरेंस, स्टेबल इंटरफेरेंस इज अ रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक
मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट वेव्स, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव्स का इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन का नतीजा होता है कौन सा? स्टेबल इंटरफेरेंस। अब स्टेबल इंटरफेरेंस की फर्दर दो किस्में होती है बेटा, इसकी टाइप्स होती है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए बेटा, कंस्ट्रक्टिव जैसे नेम से पता लगता है, इसके अंदर क्या होता है, दो वेव्स आपस में इस तरह से मिलती हैं कि दोनों वेव्स मिलके एक बड़ी वेव बना लेती है। इसके अंदर दो वेव्स आपस में एक दूसरे का सहारा बनती है। तो अगर दो वेव्स मिलके आपस में रिजल्टेंट एक बड़ी वेव बनाए तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्रेस्ट फॉल करता है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट, ट्रफ फॉल्स एंड ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ। ठीक है, और रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट इसके अंदर एम्पलीट्यूड होता है वो डबल हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव के अंदर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डबल होता है या ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वेव होता है, किसी भी या इधर वेव होता है। दो वेव्स होती है उनमें से जब वो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है वो उन दोनों में से किसी भी एक से ज्यादा होता है या डबल होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसके अंदर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ठीक है, तो किसी भी एक वेव के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा या उससे क्या हो जाएगा? डबल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है? देखिए बेटा, इसके अंदर ऐसे होता है, सपोज करें एक वेव इस तरह से जा रही है, ठीक है, एक वेव इस तरह से जा रही है और दूसरी वेव भी इसी तरह जा रही है, दोनों वेव्स के क्रेस्ट क्रेस्ट के सामने, ट्रफ ट्रफ के सामने आ जाते हैं, तो रिजल्टेंट वेव जो बनती है वो इस तरह से बन जाती है। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? अलजेब्रिक सम होता है। आपको पता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से होता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बेटा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अलजेब्रिक सम हो जाता है। अब इसके लिए आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होती है? कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए? पहली बात ये कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टेबल है और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टेबल, तो स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। अब मैं कंडीशन मेरी लिखवाई हुई है सारी चीजें, वैसे ही मैंने पहले आपको लिखवा दी थी, एज एडिशनल मैंने ये सारी चीजें, लेकिन मैं फिर इसको लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बाकायदे पढ़ाना पड़ रहा है टॉपिक में, फिर लिखता हूँ। मैंने पहले भी आपको ये लिखवाई हुई है सारी, मैंने ये एहतियातन टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिए। अब देखिए, ये आप देखें, इसके अंदर ये होता है बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है उसको हम देख रहे हैं। देखिए बेटा, अब इसके अंदर दो वेव्स मैं लेता हूं, एक ब्लू कलर की वेव लेता हूं और दूसरी मैं दूसरे कलर की वेव लेता हूं। सपोज करें दोनों ने अपनी शुरुआत एक ही जगह से की है, जब ये दोनों अपनी शुरुआत एक ही जगह से करेंगी तो शुरुआती पॉइंट्स एक होती है, शुरुआती पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको बेटा कहा जाता है पाथ डिफरेंस। तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो है, मीन्स ये दोनों एक ही जगह से शुरू होती है,
जब दो वेव्स एक जैसी एक ही जगह से शुरू होंगी तो वो क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव करेंगी। देखिए क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है और ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। अब देखिए बेटा, सपोज करें एक वेव अपनी शुरुआत यहां से करती है, लेकिन दूसरी वेव यहां से अपनी शुरुआत करती है, दूसरी वेव अपनी शुरुआत यहां से करती है, लेकिन जब ये आपस में मिलती है तो कंस्ट्रक्टिव करती है। इसकी इनिशियल पॉइंट और इसकी इनिशियल पॉइंट के दरमियान फर्क कितना है, लैम्डा का फर्क है। देखें आप यहाँ पे इन दोनों की इनिशियल पॉइंट्स के दरमियान फर्क कितना है, लैम्डा का है। अब एक और कंडीशन देखें, सपोज करें एक वेव यहां से शुरू हो रही है, ठीक है, और एक वेव यहां से शुरू हो रही है। बेटा एक वेव यहां से शुरू हो रही है इस तरह से, जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलती है तो क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिव। इसको कहा जाता है पाथ डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जिसको एस से भी जाहिर किया जाता है या एक्स से जाहिर किया जाता है। तो पाथ डिफरेंस चैप्टर 9 के अंदर एस से जाहिर किया हुआ है, इसलिए अगर जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर है, पाथ डिफरेंस ये जो होता है ये 2 लेमडा के बराबर है बेटा, क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 लेमडा, तो 2 लेमडा है, 3 लेमडा है, 4 लेमडा है, अप टू m लेमडा है, वेयर m इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो है वो लेमडा। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये स्टेबल होगा। अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस जीरो है, लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 लेमडा है, 4 लेमडा है, 5 लेमडा है, जब वो वेव्स आपस में मिलेंगी तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर एक और चीज जो है वो ली जाती है, जिसको कहा जाता है फेज डिफरेंस। क्योंकि आपको पता है कि वेव का ताल्लुक बनता है सर्कुलर मोशन के साथ। सर्कुलर मोशन के अंदर जब चीजें रोटेट करती है तो उनकी जो एंगल होती है उनके अंदर फेज एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, और फेज एंगल जो होती है जनरली जीरो है तो फेज एंगल जीरो, लेमडा के लिए पाई, लेमडा फेज एंगल पाई के बराबर होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है, इस तरह से, ठीक है। अगर हम करेंगे तो अगर फेज डिफरेंस ये हो जाएगा इन पाई, वेयर इन वही सेम 0 1 2 3, तो ये वेव्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव। अब ये हुआ हमारे पास कंस्ट्रक्टिव। दूसरा टाइप इसका होता है डिस्ट्रक्टिव। दूसरा इसका होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जैसे नेम से है, किसके अंदर दो वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है, दो वेव्स ऐसी एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो के दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव के अंदर दो वेव्स मिलके एक दूसरे को खत्म कर दे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते। सिंपल सी बात है, वो कब होगा, जब क्रेस्ट से ट्रफ मिलेगा, ट्रफ से क्रेस्ट मिलेगा, तो क्रेस्ट का असर ट्रफ खत्म करेगा, ट्रफ का असर क्रेस्ट खत्म करेगा, नतीजा क्या निकलेगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, और ये भी स्टेबल हो सकता है अगर इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी तो वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्टिव होगा, तो ये भी स्टेबल हो सकता है। स्टेबल का मकसद है वो कंडीशन खुद ब खुद तब्दील ना हो, अगर उसको हम चेंज करें तो हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से चेंज ना हो, उसको स्टेबल कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, दोनों कंटिन्यूअसली एक जैसी रहे तो उसको कहा जाता है स्टेबल इंटरफेरेंस। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ एंड ट्रफ फॉल्स ऑन क्रेस्ट, ठीक है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो होता है, या
किसी भी एक से कम होता है, जरूरी नहीं परफेक्ट हो, परफेक्ट चीजें नहीं होती कि कंप्लीटली जीरो हो जाए, कंप्लीटली डबल हो जाए, ऐसे नहीं होता, आइडियल होती है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो इक्वल टू जीरो होता है या लेस देन एम्पलीट्यूड किसी भी एक के एम्पलीट्यूड से कम होता है, ठीक है। अब ये होता कब है, इसकी कंडीशंस क्या होती है, कौन सी चीजें होंगी तो डिस्ट्रक्टिव होगा। मैं इसकी सिर्फ एक दो ही बनाता हूँ। सपोज करें ये मैं दो कंडीशन बनाता हूँ, उसके ऊपर फार्मूला बन जाएगा, आप समझ जाओगे। अब क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है इस तरह से, अगर एक वेव यहां से जा रही है और एक वेव यहां से आ रही है, तो ये देखें दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। दोनों की शुरुआती पॉइंट के दरमियान फर्क कितना है, आधी लैम्डा का है। ये दोनों की शुरुआती पॉइंट के दरमियान फर्क है, पाथ डिफरेंस है, लैम्डा ओवर टू है। अब आप इसको एक और चीज के अंदर देख ले, सपोज करें इस तरह से आप देखते हैं, तो इसको आप इस तरह से देख लें कि अगर एक वेव को आप इस तरह से करते हैं तो ये भी डिस्ट्रक्टिव किया इन्होंने। अब इनके जब अंदर पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस होता है 3 λ/2, डेढ़ लेमडा के बराबर होता है। तो इस तरह से एक जनरल फार्मूला बन जाएगा कि अगर लेमडा अपान टू है, 3 λ/2 है, 5 λ/2 है, अब तो m प्लस हाफ लेमडा, ठीक ऐसे भी इसको लेते हैं, वेयर m की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो कंडीशन आ जाएगी। 0 रखोगे तो हाफ लेमडा, 1 रखोगे तो 3/2 λ, 2 रखोगे तो 5/2 λ, 3 रखोगे तो 7/2 λ, खुद 5/2 λ इट्स ऑन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप इसको रख के देखिएगा तो ये पाथ डिफरेंस है। अब ये कितने फेज डिफरेंस के बराबर होता है, ये फेज डिफरेंस देखें, लैम्डा किसके बराबर होता है, पाई के बराबर, तो लैम्डा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, इस तरह से m π/2 वेयर m इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, यहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाले के अंदर m प्लस हाफ के, इसके अंदर कर दे m प्लस हाफ, भले कर दे इसके अंदर भी, तो फर्क कोई नहीं आएगा, m प्लस हाफ पाई कर दे और फिर m की वैल्यू 1, 2, 3 रख दे, ये मसला नहीं है, आपको याद है चीज। तो ये हुआ स्टेबल इंटरफेरेंस, ठीक है। स्टेबल इंटरफेरेंस नतीजा किसका होता है, दो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट वेव्स कोहेरेंट होंगी तब जब सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन नहीं होगा, जैसे यही दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्टेबल करती है, और यही दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो स्टेशनरी वेव बनाएगी, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेटा अब आते हैं आगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, के यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से दिए गए हैं, हर टेस्ट के अंदर एक दो क्वेश्चंस दिए गए हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, या कलर जो होते हैं कलर्स वगैरह के बारे में, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह इसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब मसला ये था कि मैंने अभी इतनी देर में ये जो है वो आपको बता रहा था स्टेबल इंटरफेरेंस, इसमें मैं बार बार आपको कह रहा था कि दो वेव्स चाहिए। अब मसला क्या था, मसला ये था कि अगर दो वेव्स एक जैसी चाहिए तो दो सोर्सेस चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे साउंड वेव का इंटरफेरेंस करवाना है
तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे साथ दूसरा बंदा खड़ा हो जाए, हम दोनों आपस में बात करें, हम दोनों बोलना शुरू कर दें, ये आवाज इस तरह सामने जाए, मेरी फ्रीक्वेंसी, उस बंदे की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन सब सेम हो। और आपको पता है कि दो डिफरेंट सोर्सेस से दो एक जैसी वेव्स का बनाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो मसला ये था कि अगर हम लाइट का स्टेबल इंटरफेरेंस करवाना चाहें, ठीक है, लाइट का स्टेबल अगर इंटरफेरेंस करवाना चाहें तो हमें लाइट के दो ऐसे सोर्सेस चाहिए जो इस तरह से सेम डायरेक्शन में दो वेव्स भेजे, जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड वगैरह सब सेम हो। दो एक जैसी वेव्स चाहिए और दो एक जैसी वेव्स के लिए दो सोर्सेस चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि हम दो डिफरेंट सोर्सेस से दो एक जैसी वेव्स बना सके। तो फिर क्या करें उसके लिए, यही सक्सेस थी यंग की। यंग ने एक बिल्कुल उस वक्त एक नया जो है वो आइडिया पेश किया, और यंग ने क्या किया कि एक वेव को तोड़ के दो वेव्स बनाए। और आपको पता है जब एक वेव के दो हिस्से होंगे तो एक वेव के दो हिस्से होंगे तो जाहिर है दोनों हिस्सों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। तो यंग की ये सबसे बड़ी कामयाबी थी, बड़ी सक्सेस थी कि यंग ने ये किया कि एक वेव को तोड़ के वो दो वेव्स बनाने में कामयाब हो गया। दूसरी बात ये कि जब इसको हम एक वेव को दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जो यंग ने तरीका इस्तेमाल किया वो डबल स्लिट वाला तरीका इस्तेमाल किया। यंग ने एक वेव को तोड़ के दो वेव्स जो बनाई उसके अंदर उसने दो स्लिट का कॉन्सेप्ट यूज किया। अब जब दो स्लिट को इस्तेमाल करके हम एक वेव को तोड़ के दो वेव्स बनाते हैं तो यहाँ पे एक इश्यू आता है। क्या इश्यू? ये होता है कि लाइट की वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है और जो स्लिट होने चाहिए उनकी भी विड्थ बहुत ही कम होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर हम यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए हम एक स्क्रीन के अंदर दो स्लिट बनाएंगे, दो होल बनाएंगे। उन दो होल्स का रूल ये है कि उन दोनों होल्स की जो वेड्थ होनी चाहिए वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। अगर हम वाइट कलर की लाइट इस्तेमाल करते हैं तो वो वाइट कलर के हिसाब से बनाने होंगे, ग्रीन कलर की लाइट इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन कलर की लेमडा के हिसाब से होने चाहिए, रेड कलर की करेंगे तो रेड कलर के हिसाब से होने चाहिए, ब्लू की करेंगे तो ब्लू के हिसाब से होने चाहिए, येलो की करेंगे तो येलो के हिसाब से होने चाहिए। मतलब ये कि विड्थ ऑफ द स्लिट कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। और यंग इसमें भी कामयाब हो गया कि वो उनकी विड्थ बहुत ही छोटी रखने में कामयाब, मिलीमीटर के अंदर ये ली जाती है, मिलीमीटर्स के अंदर। और तीसरी बात कि इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो स्पेस होना चाहिए एक स्लिट और दूसरे के दरमियान वो भी कितना होना चाहिए, वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, वो भी छोटा होना चाहिए। तो यंग उसमें भी कामयाब हुआ और उसने दो स्लिट्स ऐसे बना लिए और उन दोनों स्लिट्स को इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली ये पहला एक्सपेरिमेंट था। ये हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स के अंदर जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए उनमें से एक्सपेरिमेंट था जिसने फिजिक्स की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया था। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर यंग ने दो स्लिट का सहारा लेके स्टेबल इंटरफेरेंस करवा के प्रैक्टिकली ये दिखा दिया कि लाइट इंटरफेरेंस करती है। और आपको पता है इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। इसका मकसद है यंग ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये फर्स्ट टाइम एक प्रूफ प्रोवाइड कर दिया लाइट की नेचर। और ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको इस्तेमाल कर फर्स्ट टाइम वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी एक्यूरेटली मेयर किया गया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं, यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन सी कि दिस एक्सपेरिमेंट दिस वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये दुनिया का सबसे फिजिक्स का पहला एक्सपेरिमेंट था, इन विच यंग प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली, जो पहले कंट्रावर्सी थी न्यूटन की, आइगन की, बहुत सब साइंटिस्टों की कंट्रावर्सी थी कि लाइट क्या है, कोई कहता था पार्टिकल है, कोई कहता वेव है, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने वेव नेचर प्रूव की और इसको वेवलेंथ ऑफ लाइट वाज मेजर्ड एक्यूरेटली इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टेबल इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन भी इसके अंदर होता है, लेकिन डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। स्टेबल इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंटरफेरेंस के लिए नहीं किया जाता, ये डायफ्रेक्शन भी होती है इसके अंदर डायफ्रेक्शन भी होती है, इंटरफेरेंस दोनों होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इसके अंदर इंटरफेरेंस इफेक्ट डोमिनेंट होते हैं, इसलिए हमें कॉमनली नजर इंटरफेरेंस इफेक्ट आता है, डायफ्रेक्शन इफेक्ट नजर नहीं आता क्योंकि वो छुप जाता है। डायफ्रेक्शन इफेक्ट बहुत ही वीक पैटर्न बनाते हैं, इंटरफेरेंस जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अब ये मैं आपको एक रट्टे की बात बताऊंगा, अभी मैं इसको समझा नहीं सकता क्योंकि मैंने एक टॉपिक आपको नहीं समझाया, वो उसमें से ना पीएमसी की टेस्ट में क्वेश्चन है और मैंने उसको इसलिए नहीं आपको समझाया क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन वो टाइम ज्यादा लेता इसलिए मैंने उसको समझाया नहीं। अब ये रट्टा लगा लीजिएगा, हाइगन का प्रिंसिपल है, इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले हाइगन का प्रिंसिपल दिया हुआ है। हाइगन के प्रिंसिपल के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है वेव फ्रंट, एक आता है वेव लेट। ठीक है, वेव फ्रंट और वेव लेट क्या होते हैं इसको सिंपली मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता मैं इसको। देखिए, हर चीज का एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं शहर से आ रहा हूं, शहर के अंदर कोई किसी ने किसी बंदे को गोली मार दी और मैं उसका आई विटनेस हूं, फॉर एग्जाम्पल। अब ये मैंने बात जाके किसी और बंदे को बताई, उसने जाके किसी और को बंदे को बताई, तो मैं जो हूं, मैंने जिसने डायरेक्ट उस इवेंट को देखा है, मैं हुआ प्राइमरी सोर्स बात का कि भाई ऐसा हुआ, इस बंदे ने ऐसे इसको गोली मारी। मैं किसी और को बताया तो वो बना सेकेंडरी सोर्स, उसने किसी और को ये बात बताई, तो सेकेंडरी सोर्स के मुकाबले में प्राइमरी सोर्स जो मैं हूं, मेरी बात ज्यादा वैलिड मानी जाएगी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी सोर्स। इसी तरह लाइट के अंदर भी होता है, लाइट के अंदर भी एक होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। आप ये इसको समझ ले, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स। सपोज करें ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये इस तरह से पड़े, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल है। आप क्या करते हो, वाटर के अंदर फिंगर डिप करते हो, आप इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हो। आपको पता है आप जहां पे डिस्टर्बेंस करोगे वहां से क्रेस्ट ट्रफ जो है वो निकलेंगे, जैसे रस्सी होती है, रस्सी मेरे हाथ में, मैं उसको अप एंड डाउन करता हूं, तो मींस मैं जिस एंड पे रस्सी को अप एंड डाउन कर रहा हूं वहां से वेव पैदा हो रही, वो हुआ प्राइमरी सोर्स। सपोज करें मैंने क्या किया,
मैंने इसको मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, इस मॉलिक्यूल ने क्रेस्ट ट्रफ बनाए, ठीक है। मींस ये हुआ प्राइमरी सोर्स, यहां से वेव निकलना शुरू हुई। अब ये वेव कहां पे पहुंची, ये वेव पहुंची इन बक्स सराउंडिंग वाले 6 मॉलिक्यूल के पास। मैंने किसको वाइब्रेट करवाया, इस मॉलिक्यूल को, ये प्राइमरी सोर्स हुआ, इसने क्रेस्ट ट्रफ भेजी, उसको कहा जाता है वेव फ्रंट। जो प्राइमरी सोर्स यहां से क्रेस्ट ट्रफ भेजेगा उसको वेव फ्रंट कहा जाएगा। अब ये कहां पे आ गए, सराउंडिंग वाले 6 मॉलिक्यूल्स के पास। 6 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अब ये 6 वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। अब इन 6 से, अब पहले सोर्स था 1, अब सोर्स बन गए 7। इनमें पहला प्राइमरी सोर्स कहलाएगा, दूसरे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स वेव फ्रंट दे रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स वेव लेट्स दे रहे हैं। जाहिर सी बात है वेव फ्रंट स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द वेव लेट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी सोर्स वेव फ्रंट्स देते, वेव फ्रंट ऐसे फैलते जाएंगे, सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते जाएंगे और सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल सोर्स बनते जाएंगे, वो अपनी तरफ से वेव क्रेस्ट और ट्रफ बनाते जाएंगे, तो उनको कहा जाएगा सेकेंडरी वेव लेट्स। जो प्राइमरी सोर्स होता है वेव फ्रंट पैदा करता है, जो सेकेंडरी सोर्स होता है वेव लेट्स पैदा करता है। वेव फ्रंट स्ट्रांग होता है क्योंकि प्राइमरी बनाता है, वेवलेट वीक होता है क्योंकि वो सेकेंडरी से आता है, ठीक है, समझ गए। तो यहां पे जो इंटरफेरेंस होता है इसके अंदर वेव फ्रंट हिस्सा लेते हैं, और वेव फ्रंट का जो इंटरफेरेंस होता है वो इंटरफेरेंस होता है, वेवलेट्स का जो इंटरफेरेंस होता है वो डायफ्रेक्शन कहलाता है। डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस में अगर फर्क पूछा जाए कि किस क्या फर्क है, तो आप कहोगे अगर दो वेव फ्रंट हो, दो प्राइमरी सोर्सेज हो, दो प्राइमरी सोर्सेज से दो वेव फ्रंट निकले, उन दो वेव फ्रंट के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं इंटरफेरेंस, और उसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, जो हम डबल स्लिट के अंदर पढ़ेंगे। डबल स्लिट के अंदर दो स्लिट से दो वेव फ्रंट बनते हैं, दो वेव फ्रंट की इंटरफेरेंस जो होती है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को जन्म देती है, और दो सेकेंडरी वेवलेट्स जो होते हैं, वेवलेट्स की इंटरफेरेंस जो होती है, वेवलेट्स की इंटरफेरेंस से डायफ्रेक्शन बनता है। डायफ्रेक्शन पैटर्न इज रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, जबकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टेबल इंटरफेरेंस इज रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट्स। दो वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, वो स्टेबल इंटरफेरेंस होगा, उनकी सुपरपोजिशन स्टेबल इंटरफेरेंस, उसके अंदर जो डार्क बनेंगे जो ब्राइट बनेंगे बहुत ही क्लियर बनेंगे, क्योंकि वो वेव फ्रंट्स का इंटरफेरेंस है। जबकि डायफ्रेक्शन का पैटर्न जब आएगा उसको देखेंगे, वो सेकेंडरी वेवलेट्स का है। तो इसके अंदर आप लिखोगे कि इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। अब आ गया है, इसके मैं नेम लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे, ये वेव फ्रंट होगा प्राइमरी सोर्स का, प्राइमरी सोर्स देता है वेव फ्रंट, ठीक है, और ये वेवलेट्स होंगे, वेवलेट्स कौन देता है, सेकेंडरी सोर्सेस देते हैं, ठीक है। ये इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, देखिए आपस में मिक्स हो रहे हैं ना, ये आपस में मिक्स होंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, सुपरपोजिशन करेंगे, तो इनको आप कहोगे डायफ्रेक्शन पैटर्न बनाएंगे, जबकि वेव फ्रंट जो होते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। अब आ जाए आ गया, ठीक है। अब ये पैटर्न बनता कैसे, पैटर्न मैं आपको सिंपली समझाता हूं, इक्वेशंस कल करेंगे, अभी टाइम हो गया, ठीक है। अब होता कैसे मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू इसको बताता हूं, ठीक है। मैं दो पिक्चर्स, ये तो पहले आप देख लें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की पिक्चर आप देख लें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर देखें, एक का ट्रफ क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट के साथ, ठीक है, और ट्रफ ट्रफ के साथ मिलता है कंस्ट्रक्टिव के अंदर, और रिजल्टेंट वेव बड़ी बनती है, ठीक है।
और डिस्ट्रक्टिव के अंदर देखी एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट आमने सामने होते हैं, रिजल्टेंट जीरो इंटेंसिटी होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर। अब डबल स्लिट के अंदर क्या होता है, डबल स्लिट को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं, इसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, मैथमेटिकली डन कर लेंगे और संध्या का डबल स्लिट खत्म हो गए। ठीक है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर यहां से आ रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये एक स्लिट से गुजरती है, ये इस तरह से बन जाती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाते हैं, वेव फ्रंट की किस्में होती है। अब ये आ जाती है दो स्लिट से क्या हो जाता है, दो स्लिट से दो वेव्स बन जाती है इस तरह से। इस एक स्लिट से एक वेव फ्रंट बनता है और दूसरे स्लिट से दूसरा वेव फ्रंट बनता है, इस तरह से वेव फ्रंट्स बनते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वेव फ्रंट्स बनते हैं, ये इस तरह से एक स्लिट से वेव फ्रंट बने और दूसरे से, मींस सॉरी ग्रीन मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, कोई और कलर इस्तेमाल करते हैं, ब्लू कलर इस्तेमाल करते, इससे दूसरा वेव फ्रंट बनता है। अब ये क्या करते हैं, ये वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ देखे मिक्सअप हो रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेंगे और नतीजा ये निकलेगा कि जहां पे ये डिस्ट्रक्टिव करेंगे वहां पे ये इस स्क्रीन के ऊपर दबाएंगे। तो यहां पे समझे इन्होंने डिस्ट्रक्टिव कर दिया, यहां पे दो वेव्स पहुंची, एक वेव यहां से पहुंची, एक वेव यहां से पहुंची, एक का क्रेस्ट पहुंचेगा, दूसरे का ट्रफ पहुंचेगा और दोनों वेव्स क्या करेंगी, डिस्ट्रक्टिव करेंगी। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी, इस रीजन के अंदर भी इसी तरह से बनेगा और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, इस तरह से अल्टरनेट डार्क और ब्राइट इस तरह से बनेंगे, इस तरह से क्यों बनते हैं, क्योंकि दो स्लिट से दो वेव फ्रंट आ रहे हैं इस तरह से। जहां पे ये आते हैं क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिलते हैं वहां पे डार्क बन जाते हैं डिस्ट्रक्टिव, और जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलता है, ट्रफ ट्रफ से मिलते हैं वहां पे क्या हो जाता है, ब्राइट बन जाता है। तो ये यहां से एक स्लिट से दो वेव्स बनती है और ये वेव्स जब इस तरह से स्क्रीन के ऊपर बनेगी तो क्या बनेगा, उसके अंदर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। डार्क और ब्राइट क्यों बनते हैं, क्योंकि ये दो एक जैसी एक ही वेव होती है, टूट के दो वेव्स बनती है, तो ये जो दोनों वेव्स है मोनोक्रोमेटिक भी होती है, कोहेरेंट होती है, जहां पे उनके डार्क ब्राइट सॉरी क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं वहां पे डार्क फ्रिंज बन जाता है, जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिलता है, ट्रफ ट्रफ के साथ मिलता है, वहां पे क्या बन जाता है, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, और इनकी स्लिट्स की जो विड्थ होती है बहुत ही छोटी होती है और इन स्लिट्स के दरमियान जो स्पेस होता है वो भी बहुत ही कम होता है। ये स्लिट स्क्रीन होती है, ये पैटर्न स्क्रीन होती है जिसके ऊपर पैटर्न बनता है। एक और पिक्चर में आपको दिखाता हूं, ऐसे होता है, ये होता है ऐसे, ये देखे ये ग्रीन कलर का इंटरफेरेंस है क्योंकि इसके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, एक ही कलर की लाइट इस्तेमाल होती है। ग्रीन कलर की लाइट अगर इस्तेमाल करेंगे, एक स्लिट है दो स्लिट से, ये यहाँ पे दो वेव्स बनी, एक एक स्लिट से बनी दूसरी दूसरे से, और यहाँ पे जब पहुंचेंगी तो ये इस तरह से, इनको कहा जाता है फ्रिंजेस। जो ब्राइट होता है उसको मैक्सिमा कहा जाता है, जो डार्क होता है उसको क्या कहा जाता है, मिनिमा कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी मैं मेन पॉइंट्स डिस्कस करता हूं, मैथमेटिक्स कल डिस्कस करेंगे। मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं कैसे होता है। देखिए बेटा, ये देखें, ये हुए दो स्लिट्स, एक स्लिट S1 एक स्लिट S2,
एक वेव बनी सिलेक्ट वन से, दूसरी वेव बनी सिलेक्ट टू से। इन स्लिट्स के सामने ये जो सेंट्रल फ्रिंज कहलाता है, इसको कहा जाता है सेंट्रल फ्रिंज को कहा जाता है जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। ये हमेशा हमेशा मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा मींस इसके अंदर सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। सेंट्रल फ्रिंज इसके अंदर ब्राइट बनता है। क्यों बनता है मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट्स ध्यान में लेके, तो पहली पॉइंट क्या होती है कि सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्यों होता है कल डिस्कस करूंगा मैं, रीजंस आपको बताऊंगा। सेंट्रल फ्रिंज जो होता है वो ऑलवेज ब्राइट होता है और अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बनते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसको आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, इसका एम इज इक्वल टू प्लस वन होगा और इसका एम जो होगा जीरो होगा। एम मींस नंबर, सेंट्रल का एम जीरो होगा और ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। क्योंकि सेकंड देखिए, ये सेंट्रल जीरो ऑर्डर मींस जीरो नंबर वाला, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इसका एम हो जाएगा प्लस टू प्लस थ्री, इस तरह से आगे जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास है, इसका कलर मैं चेंज कर, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। एम इज इक्वल टू प्लस वन, इसका भी एम प्लस वन होता है। लेकिन देखें जीरो ऑर्डर होते ही नहीं मैं मिनिमा में, क्योंकि सेंट्रल तो एक ही बनेगा तो सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है। और ये हो जाएगा आपके पास सेकंड ऑर्डर मिनिमा, एम इज इक्वल टू प्लस टू। ये हो जाएगा अगर आप बनाए इसको थर्ड ऑर्डर, मैं लिख लेता हूं थर्ड ऑर्डर मिनिमा, एम इज इक्वल टू प्लस थ्री हो। ठीक है, नंबरिंग इस तरह से होती है। अब यहां पे आ जाए, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर नीचे की तरफ, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और इसका एम होगा माइनस वन, क्योंकि नीचे की तरफ है माइनस करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास सेकंड ऑर्डर मिनिमा, एम इज इक्वल टू माइनस टू हो जाए नीचे वालों के माइनस। इसको कर ले आप थर्ड ऑर्डर मिनिमा, एम इज इक्वल टू माइनस थ्री। और ये कर ले आप फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और इसका एम हो जाएगा माइनस वन, नीचे वालों के माइनस वन करेंगे। और ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, एम इज इक्वल टू माइनस टू एट सोन। तो सेंट्रल फ्रिंज के अंदर हमेशा ब्राइट होता है। और इफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड। मोनोक्रोमेटिक का मकसद क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर वाली लाइट इस्तेमाल करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड देन इंटेंसिटी क्या होती है बताता हूं। इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज इधर वो डार्क हो ब्राइट हो इज इक्वल। ये देखें यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ग्रीन कलर की लाइट है। देखें सेंट्रल सब ब्राइट एक जैसे, सबकी इंटेंसिटी मींस सब एक जैसे, इंटेंसिटी मींस ब्राइटनेस सबकी एक जैसी, जैसी सेंट्रल की बाकी साइड वालों की भी वैसी। और डार्क भी देखें, डार्क भी एक जैसे डार्क।
जितनी विड्थ हर डार्क की विड्थ इक्वल हर ब्राइट की विड्थ इक्वल, और जितनी विड्थ डार्क की उतनी विड्थ ब्राइट की, सब की विड्थ इक्वल, इंटेंसिटी इक्वल, डार्क है सब एक जैसे डार्क है, ब्राइट है सब एक जैसे ब्राइट है, ठीक है। एक और बात, अब इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, अगर व्हाइट लाइट यूज करें, व्हाइट लाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर मोनोक्रोमेटिक व्हाइट नहीं, रेंडम नेचर की होती है, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक मुख्तलिफ वेवलेंथ होती है व्हाइट लाइट के अंदर, तो मोनोक्रोमेटिक कैसे बनेगी। अगर आप ग्रीन कलर की लाइट मोनोक्रोमेटिक को रिप्लेस करके आप व्हाइट लाइट देते हैं तो यहां पे क्या बनेगा, व्हाइट लाइट तो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, मींस ये तो रेंडम नेचर की लाइट है, तो क्या बनेगा, तो सेंट्रल ब्राइट ही बनेगा, सेंट्रल इसके अंदर ब्राइट ही बनेगा, चाहे मोनोक्रोमेटिक हो मोनोक्रोमेटिक ना हो, कोई भी लाइट इस्तेमाल करोगे सेंट्रल ऑलवेज ब्राइट। लेकिन अगर आप मोनोक्रोमेटिक करोगे तो सबकी विड्थ इंटेंसिटी इक्वल, लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट इस्तेमाल करोगे तो व्हाइट लाइट तो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, सेंट्रल ब्राइट बनेगा, व्हाइट बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, और साइड पे रेनबो की तरह कलरफुल हल्के हल्के पैटर्न बनेंगे, कलरफुल डार्क और ब्राइट बनेंगे रेनबो की तरह, और उन सब की अनइक्वल विड्थ होगी, ठीक है। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, अगर व्हाइट लाइट यूज करते तो फिर क्या होगा, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट, सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट बनेगा एंड व्हाइट फ्रॉम अदर फ्रिंजेस हैविंग हाई इंटेंसिटी, और इसकी इंटेंसिटी भी हाई होगी सेंट्रल की, ठीक है। कलरफुल फ्रिंजेस ऑफ अनइक्वल विड्थ इक्वल विड्थ आर फॉर्म्ड ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। मैं पिक्चर इसकी जो है वो लेना भूल गया, आप याद रखिएगा कि रेनबो की तरह जो है वो आप इसको रेनबो की तरह लीजिएगा, तो रेनबो की तरह जो है वो इस तरह से सेंड अगर व्हाइट लाइट इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर यंग ने जो है वो इस तरह से दो स्लिट्स का सहारा लिया। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं ताकि उसके अंदर आपकी ये चीज क्लियर हो जाए। तो अब देखिए, अब इसके अंदर हम देखते हैं एक वीडियो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक वीडियो देखते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर कैसे जो है वो पैटर्न बनता है इसके अंदर, ठीक है। देखिए यार ये लाइट, इस स्लिट से ये लाइट बनेगी स्फेरिकल, ठीक है, इंटरफेरेंस की फिनोमिना है, देयरफॉर अब देखिए यहां से ये वेव बनी, अब आएगी दो स्लिट्स के ऊपर, जब ये दो स्लिट्स पे आएगी तो एक वेव टूट के क्या बन जाएगी, दो वेव्स बनेगी। देखिए अब एक वेव से अब दो वेव्स बन जाएंगी, और ये दोनों वेव्स जब यहां पे आएंगी तो कहीं पे उनके क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिलेंगे, और कहीं पे क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिलेगा ट्रफ ट्रफ के, जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे वहां पे डिस्टर्बटिव होगा, जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिलेगा ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मैक्सिमा वहां पे बनेगा। ये देखिए अब ये मिक्सअप हो रही है, यहाँ पे देखिए स्लिट वन से है और ये वेव फ्रंट बन रहा है, एक वेव फ्रंट स्लिट वन से बन रहा है और दूसरा वेव फ्रंट कहां से बन रहा है, स्लिट टू से बन रहा है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल फ्रिंज क्या बन रहा है, सेंट्रल बिल्कुल सेंटर के सामने बनेगी, ये देखिए
येलो कलर की लाइट इस्तेमाल की गई है, तो देखिए डार्क और ब्राइट इक्वल विड्थ इक्वल इंटेंसिटी के बन रहे, क्योंकि हम कौन सी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देख ले आप इसको, ये इसके अंदर ये डार्क और ब्राइट बन रहे, इसके ऊपर वाइस है डिस्कशन, और ये इसका जो है वो क्या बनता है, ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ हम बनाते हैं। और देखिए ये ग्राफ इक्वल विड्थ का है, ये ग्राफ बनता है इंटरफेरेंस का ग्राफ है, यहाँ पे ब्राइट डार्क सब की इंटेंसिटी एक जैसी है तो इक्वल एम्पलीट्यूड बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ में इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन के ग्राफ के अंदर भी फर्क होता है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का ग्राफ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इसके अंदर इंटरफेरेंस करेगी तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, व्हाइट लाइट करेगी नहीं, वो मैं ग्राफ बनाता हूँ वहां पे बनाता हूँ, मैं भूल गया बनाना इसको, ग्राफ देख ले क्योंकि कुछ जन अच्छे हैं। पीएमसी के अंदर जो फिजिक्स है उसी होगी जो समझता है फिजिक्स को, रटने से नहीं होगी, जो भी क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है कंसेप्ट के हिसाब से, हर किसी से नहीं होगी। ये बन जाते हैं डार्क और ब्राइट। ये देखें, ये आगे इसके ऊपर डिस्कशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वीडियो, अब इसके बाद एक मिनट में ग्राफ बनाता हूँ, उसके बाद आपके केमिस्ट्री की क्लास से टाइम हो गया, सिर्फ ग्राफ में बना लेता हूँ, हो सकता है ग्राफ से आ जाए। डबल स्लिट के अंदर अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल होती है, मोनोक्रोमेटिक अगर लाइट होती है तो इसका ग्राफ में पिक्चर लगा के उसके सामने ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये जो है मोनोक्रोमेटिक की है, अगर मोनोक्रोमेटिक की है तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से जो ग्राफ बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से। अगर व्हाइट लाइट इस्तेमाल होती है, व्हाइट लाइट अगर इस्तेमाल होती है, व्हाइट लाइट का मैं बनाता हूं, ये आप समझ ले के दो स्लिट्स है, इनके ऊपर आप व्हाइट लाइट इस्तेमाल करते, ये हम करते व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से जो सेंट्रल बनेगा वो ब्राइट बनेगा, बड़ा बनेगा, जबकि यहाँ पे साइड पे का क्या बनेंगे, कलरफुल, हल्के हल्के मुख्तलिफ कलर्स के मैं बनाता हूँ, इस तरह से अनइक्वल विड्थ के डार्क और ब्राइट बनेंगे, इस तरह से, इस तरह से ये पैटर्न बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा, व्हाइट बनेगा, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, क्योंकि सेंट्रल ज्यादा ब्राइट होता है इसलिए इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा लेंगे और ये इस तरह से बनेगा, अगर हम जो है वो व्हाइट लाइट इस्तेमाल करें। कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसकी मैथमेटिक्स और बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स जो चैप्टर